डीएम पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने निर्माणाधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय पौड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने निर्माण कार्य की धीमी की प्रगति पर नाराजगी जताई, जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल काम पूरा करने के निर्देश दिए। पौड़ी के कलेक्टर विजय कुमार जोगदंडे निर्माणाधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रशासनिक कार्यालय निरीक्षण करने पहुंचे। इसी दौरान वाहन पार्किंग सहित निचले तल से लेकर ऊपरी तल तक बन रहे कमरों, स्टोर रूम, शौचालय के कार्यों का अवलोकन किया और संस्था पेयजल निर्माण इकाई श्री नगर को कमरों में टाइल्स लगाने के साथ ही बेहतर दरवाजे और खिड़की लगाने को कहा है। इसके साथ ही मुख्य कमरों में भी शौचालय बनाए जाएं। उन्होंने संबंधित अधिकारी को बेहतर गुणवत्ता के साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान सबसे ऊपरी मंजिल में काम शुरू न होने पर संबंधित अधिकारी को पीटीएम ने फटकार लगाई। पौड़ी से मुकेश पच्छेती की रिपोर्ट। साहब का जो आवास है, इसका निर्माण कार्य जो है पेयजल निगम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें गत 2 सालों से लगातार इसमें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं आ पाया था। आज संबंधित विभाग के साथ में और सीएमओ साहब के साथ में दोबारा इसका निरीक्षण किया है और आगामी 3 माह के भीतर जो 2 फ्लोर्स पूर्ण हो गए हैं उसका कार्य संपूर्ण करते हुए वो विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया हुआ है।